30 जून का हमने टारगेट रखा है उसमें हम सफल होंगे। हम दिल्ली की जनता को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें, एक अच्छी यमुना, साफ यमुना दे सकें। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं क्रेडिट डेबिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जब क्लीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नजफगढ़ ड्रेन में जब ये जाएगा तो क्लीन वाटर जाएगा। नजफगढ़ ड्रेन में भी अभी जितने भी ड्रेन्स मिक्स हो रहे हैं उनको भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, और करीब 15 से 16 ड्रेन्स को ट्रैप भी कर दिया गया है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। मुझे यकीन है कि जो 30 जून का हमने टारगेट रखा है उसमें हम सफल होंगे और यमुना को एक दूसरी शेप दिल्ली के वासियों को देखने को मिलेगी। जो आप देख भी रहे हैं कि न सिर्फ गंदगियां दूर हो रही हैं, पूरे घाट को भी तरह से सौंदर्यीकृत किया जा रहा है, रोड सफाई हो रही है। जी हाँ, तो ये प्रोजेक्ट आपको उम्मीद है कि 30 जून तक खत्म हो जाएगा पूरा काम? जी हाँ बिल्कुल होगा, और यमुना के किनारे जितनी गंदगी थी उसको साफ करने का भी काम चल रहा है और मिशन मोड पे काम हो रहा है। और आपने स्वयं भी देखा कुदिशय घाट 15 दिन में किस तरह बदल गया। इसी तरीके से 22 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको साफ करने का प्रयास चल रहा है और 30 जून तक हम उसको क्लीन कर देंगे। काम तो रहे, लेकिन सर यमुना दिल्ली में पॉलिटिक्स का भी बड़ा मुद्दा है। हम जो लगातार आप दौरे करते हैं उधर से मुख्यमंत्री की तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आते हैं। 2 दिन पहले भी एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें दावा था कि 2025 तक हम यमुना को पूरी तरह से साफ कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट की भी होड़ है। अब देखिए, वो हमारी सरकार के अगर कोई मंत्री कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे काम का तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ हम जो काम कर रहे हैं क्रेडिट डेबिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें, एक अच्छी यमुना, साफ यमुना दे सकें, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग 28 साल तक मॉनिटर किया है। तो पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस सब लोग मिलकर काम करें।